दोस्तों आज हम थ्रोन ऑफ सील की न्यू ट्रेलर 49 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं सायर को, जो कि काफी बड़े सदमे में थी और उसका दिल टूट चुका था और वह काफी ज्यादा दुखी थी। तो तभी वह कहती है कि मैंने हमेशा ही हाओ चेन के लिए सैक्रिफाइस दी, मैंने हाओ चेन को इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी दी और साथ ही मैंने हाओ चेन के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज उसने मुझे टीम में ही नहीं लिया, उसने तो उस ग्रीन हेयर वाला को चूज कर लिया। तभी मिस लिसन उसके सामने आती है और सायर को समझाते हुए कहती है कि हाओ चेन ने किसी मकसद के तहत ही उस लड़के को चूज किया होगा, उसका इसके पीछे का कोई ना कोई रीजन रहा होगा, इसी वजह से उसने उस लड़के को चूज किया हो। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सायर किसी के भी बात को नहीं सुन रही होती है, वो बस इतना ही कहती है हाओ चेन मुझे छोड़ दिया। इधर एसोसिएशन में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हाओ चेन ने मिस सायर को कैसे छोड़ दिया, वह तो सायर के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन आज उसने सायर को अपनी टीम में क्यों नहीं लिया। तो तभी एसोसिएशन में मास्टर भी हाओ चेन से कहते हैं कि क्या यही तुम्हारा फैसला है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत फैसला ले लिया हो। एसोसिएशन मास्टर इस बात की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे। तो तभी ऑडियंस में ये सब बातें होने लगती है, हाओ चेन और सायर तो काफी ज्यादा क्लोज थे, लेकिन अचानक इनमें ऐसा क्या हुआ हाओ चेन सायर को चूज नहीं किया। तो तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हम सायर को देखते हैं, जो कि एक जगह पर जाकर अपनी काफी ज्यादा खतरनाक ओरा को रिलीज करती है। इनके बॉडी में से निकलने वाली ओरा इनकी बॉडी को कवर कर लेती है और वह इतना ज्यादा दुखी थी कि वो अपनी पास्ट के लाइफ में खो जाती है। तभी वहाँ पर एसोसिएशन आ जाते हैं और वो सायर की इस हालत को देखकर कहते हैं कि मुझे जल्दी से इसकी पावर को खत्म करना होगा, वरना सायर को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और यह कहने के बाद वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सायर के ओरा को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं और वह साथ ही कहते हैं कि यह सब हाओ चेन की वजह से हुआ है, उसी ने सायर को दुख दिया है जिसकी वजह से अब वो इतनी ज्यादा खतरे में है, मैं अब हाओ चेन को नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूड में आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से हाओ चेन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हाओ चेन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तो तभी वहाँ पर ग्रीन हेयर वाला लड़का आ जाता है, जो कि एसोसिएशन से कहता है कि यह सब मेरी गलती है, इसमें हाओ चेन की कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही हाओ चेन को ये सब करने के लिए कहा था, यही वजह है कि हाओ चेन ने कंपटीशन के दौरान ही मुझे चूज किया था, अगर मुझे इस बात का पता होता हाओ चेन और सायर के दरमियान में क्या चल रहा है, मैं कभी भी हाओ चेन को फोर्स नहीं करता, इसलिए अब आपको हाओ चेन को छोड़ देना चाहिए। तो तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हम दोबारा से हाओ चेन को, जो कि सायर की जगह पर पहुंच चुका था और वो सायर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर की वजह से आगे नहीं जा पा रहा होता है। तभी हाओ चेन कहता है, सायर मैं तुम्हें इस डार्क वर्ल्ड से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। अब हम सायर के कॉन्शियस में देखते हैं, जहाँ पर वह अपनी फास्ट की दुनिया में खो चुकी होती है। वह कहती है कि मेरी जितनी भी अपने थे वह सब छोड़ दिए, लेकिन अब जो भी मेरा अपना है वह मुझे छोड़कर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा, उसे जीने का कोई भी हक नहीं है, मैं उसे मार डालूंगी। ये कहने के बाद वो हाओ चेन पर अटैक कर देती है और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।